जय हिंद दोस्तों। तो हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी का एक और अर्जेंट प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करना है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपको इसका आंसर करना है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में स्थित हैं, तो राज्य आपका है छत्तीसगढ़, गुजरात और आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों है योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 जनवरी 1930 को, 15 मार्च 1950 को, 26 जनवरी 2002 को, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया गया, कौन सा आयोग नया बनाया गया, तो आपका नीति आयोग बनाया गया। जिसका गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को, जो कि नीति आयोग का गठन हुआ था इसी आयोग को भंग करके। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर भी बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वरम से होता है। महाबलेश्वरम है, आपको बताना है किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वरम है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, कृष्णा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बनेगा कृष्णा नदी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अभी तक जितने दोस्तों ने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला सेक्शन आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन अगला है कि बेरूत किस देश की राजधानी है। बेरूत किस देश की राजधानी है, लेबनान की, मोरक्को, अल्जीरिया, फिर आप मॉरिशस की, या फिर मॉरिशस की। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लेबनान की, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जौनपुर की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिर शाहजहाँ के द्वारा, या फिर शाहजहाँ के द्वारा। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि जौनपुर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 155, या फिर अनुच्छेद 161, या फिर अनुच्छेद 161। राइट आंसर दोस्तों बनेगा अनुच्छेद 155 के तहत जो कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। किस राज्य में जो कि दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम, या फिर उड़ीसा, या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जो कि दुर्गा पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि झूलती मीनार डैश में स्थित है, कहाँ पर दोस्तों स्थित है, आपको उसका आंसर करना है। झूलती मीनार कहाँ पर स्थित है, पोरबंदर, गांधीनगर, कन्नौज, या फिर अहमदाबाद, या फिर अहमदाबाद। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, झूमती मीनार जो कि अहमदाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी, 0 डिग्री देशांतर, विषुत रेखा, 180 देशांतर, या फिर 90 डिग्री देशांतर। तो करेक्ट आंसर बनेगा 180 डिग्री देशांतर, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश नहीं है, भूटान, सिंगापुर, नेपाल, या फिर मालदीव। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, BCCI, ICC, NAC, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ICC, जो कि आपकी सर्वोच्च संस्था है क्रिकेट की। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था, 1924, 1930, 1951, या फिर 1961। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। फ्रेंच ओपन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्या होगा आपका,
तो आप लोग याद रखेंगे लॉन टेनिस, लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा, लॉन टेनिस आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। पूर्व समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तट या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न किस वर्ष से प्रदान किए जाते हैं, 1955, 1954, 1962 या फिर 1990 या 1990। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्या होगा, 1954 से जो कि भारत रत्न दिए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन है आपका जीएस का, तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है, लेवोरियस, बॉयल, डाल्टन या फिर बर्जीलियस। बर्जीलियस तो राइट आंसर बनेगा, लेवोरियस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जोसेफ ब्लैक कैनविस स्किल या फिर रदरफोर्ड ने, या फिर रदरफोर्ड। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जोसेफ ब्लैक ने जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया। अगला क्वेश्चन है, शराब का क्वथनांक कितना है। शराब का क्वथनांक कितना है, 178, 78, 58 या फिर 92 या फिर 92। तो राइट आंसर बनेगा 78 डिग्री, 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक संपीड्य होगा। अत्यधिक संपीड्य होगा ठोस, तरल, गैस या फिर बोथ, यानी कि ठोस और तरल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठोस और तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैसों की खोज किसने की थी। निष्क्रिय गैसों की खोज किसने की थी, प्रिस्टले, राम से सिले या फिर कैंडविस ने, या फिर कैंडविस ने। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सर विलियम्स रामसे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कोशिकीय श्वसन का श्वसन स्थल है, डैश कोशिकीय श्वसन का श्वसन स्थल आपको बताना है, एंडोप्लाज्मिक, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, B12, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।